आज उत्तर प्रदेश उत्तर मांग रहा है कि आखिर मुस्लिम समाज को डराकर किसका फायदा हुआ है। यह सवाल इसलिए क्योंकि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने समाज में नफरत फैलाने वाला एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि लोकसभा में कई बार सांसद रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए नफरत भरी सियासत क्या इन्हें करनी चाहिए? सवाल यह भी है कि अगर देश में मुसलमान असुरक्षित हैं तो क्या बर्क जैसे मुसलमान खुलकर इस तरह की बयानबाजी कर पाते? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में अल्पसंख्यकों की फिक्र के नाम पर हो रही खौफ की राजनीति को समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर हवा दे दी है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में मुसलमान महफूज नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है। ये वही शफीकुर रहमान है जो कई बार लोकसभा में वंदे मातरम गाने का विरोध करते रहे हैं। यहाँ के मुसलमानों को यहाँ रहने का जो हक नहीं है वो पाकिस्तान के लिए, हम यहाँ पैदा हुए हैं, यही चार सत्कर यही दस मुसलमानों के साथ कितना जुल्म हुआ है पिछली गवर्नमेंट ने, कितना जुल्म किया मुसलमानों को, कितना सड़कों पर घेर कर मॉब लिंचिंग के जरिए से मारा गया, कत्ल किए गए और बलात्कार, और ये दुनिया भर की चीजें हो रही हैं। साफ सुथरा निजाम ये उम्मीद है कि बीजेपी की किसी की ठेकेदारी नहीं है। यहाँ पर हुकूमत जब भी बनेगी यहीं के मुल्क के लोगों की बनेगी। जरमत जब पड़ा वक्त को गुलशन को लहू हमने दिया और बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। उधर मुस्लिमों के पैरोकार बन रहे बर्क को मुस्लिमों ने ही करारा जवाब दिया है। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने उनके आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि देश में मुस्लिम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े सादिक अली ने भी कहा कि बर्क ऐसे बयान देकर देश के मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। ये बयान आ गए कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में मतलब जो है मुसलमान सुरक्षित है, ऐसे बयान नेताओं के आते रहते हैं। लोग तरह तरह की जो है भाजपा की सरकार बनी नहीं, तरह तरह के बयान लोगों के आना शुरू हुए। देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं ऐसा बयान देके। मुसलमान आराम से रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, कोई भयभीत नहीं है। बर्क के इस बयान में नफरत घुली है। सवाल ये है कि उनकी बदजुबानी कहीं उनका सियासी लालच तो नहीं? बर्क कई बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, इस बार भी मोदी लहर के बावजूद बम्पर वोटों से जीत कर आए हैं, तो सवाल ये भी है कि कहीं एक तबके को डरा कर वो अपनी सियासी रोटियां तो नहीं सेक रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं बीजेपी ने शफीकुर रहमान के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। बीजेपी के नेता समीर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नाम पर काम कर रही है। शफीकुर रहमान का बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय है। शफीकुर रहमान से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, न उनके प्रमाण पत्र की जरूरत है। शफीकुर रहमान सांसद हो गए हैं, उनको संवैधानिक पद पर बैठने के बाद उनको अपनी भाषा अपने आचरण में सुधार लाना चाहिए। और इस खास मुद्दे को लेकर कुछ अहम सवाल भी खड़े होते हैं, वो भी आप जान लीजिए। सबसे पहला सवाल, देश में अल्पसंख्यकों को डराने की सियासत कब तक चलती रहेगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या सियासी फायदे के लिए नफरत की राजनीति सही है? सवाल यह भी कि क्या देश का मुस्लिम वाकई खुद को असुरक्षित महसूस करता है? क्या बीजेपी सरकार आने के बाद मुसलमानों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है? और मुसलमानों को डराकर सियासत करने का आखिर मकसद क्या है? और इस खास मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है? क्या वाकई देश में मुस्लिम असुरक्षित हैं? जनता की राय भी आप सुनिए।
कहानी नहीं दिखाई दे रही है कि जिसे ये मुस्लिम वर्ग कह रहा है, ये गलत बात है। कहीं के सांसद हों, लेकिन जो बीजेपी सरकार को अगर कोई आलोचना करता है तो हमें लगता है कि इससे ज्यादा कहीं वो ना समझ है बंदा। मुस्लिम और दलित महफूज नहीं है। क्या वजह लगती है आपको? जगह जगह इनकी हत्या हो रही है, जगह जगह जो है इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये जो है हमें अब इनका जो जगह जगह बलात्कार भी हो रहा है, तो मतलब समस्याएं हैं देश में। आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? सही कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि वाकई ऐसा है, कुछ को लगता है कि ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने इस पर भी सवाल उठाए कि क्या किसी ने वाकई सर्टिफिकेट बांटने का ठेका ले रखा है और इनके सर्टिफिकेट की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। उसके तरह आप इसकी वजह भी जानिए कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक कितना है। मेरठ में मुस्लिमों की संख्या करीब 35% है। इसके तरह बिजनौर में मुस्लिम आबादी करीब 40% है। बड़ी संख्या में यहां पर मुस्लिम आबादी है। और हापुड़ में 35-40% मुस्लिम वोटर हैं, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बागपत में 35%, ये पश्चिमी यूपी का इलाका हम आपको बता रहे हैं, जो लोकसभा क्षेत्र है। मुजफ्फरनगर में 35% मुस्लिम हैं और सहारनपुर में 35-40% मुसलमान हैं। इसके इतर आजमगढ़ में मुस्लिमों की आबादी 28.07% है। मऊ में मुस्लिम आबादी 22.74% है। और सिर्फ इसी वोट बैंक के लिए क्या ये बयान दिए जा रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। शहनवाज अहमद अध्यक्ष मुस्लिम पिछड़ा समाज के हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के। अशोक सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरएसएस के विचारक हैं, संघ का पक्ष रखेंगे। पीयूष मिश्रा हमारे साथ हैं, SBSP के प्रवक्ता हैं। और सुरेश बहादुर सिंह जी मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और पहला सवाल शहनवाज अहमद मेरा आपसे है, सर क्या वाकई इस देश में मुसलमान असुरक्षित है या ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए बयान दिया जा रहा है? मैं बर्क साहब के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि मुसलमानों को हिंदुस्तान के आईन से, कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत भरोसा है और उम्मीद है जो नई सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में उस आईन के जरिए हमारी हिफाजत करेगी। क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद भारत के वजीर आजम मोदी जी ने एक ही शब्द बोला था कि जो भय का वातावरण पिछली गवर्नमेंटों ने, पिछली सरकारों ने दिया था, पार्टियों ने बनाया था मुसलमानों के लिए, उस भय के वातावरण को हम खत्म करेंगे और उम्मीद है कि नई सरकार हमारे हक हुकूक और हिफाजत को बरकरार रखेगी। जिस तरीके से घटना बरेली में हुई, वहां पर चार लोग खाना दोपहर का मजदूर खा रहे थे और कुछ हुड़दंगियों ने आकर बीफ के नाम पर उनके साथ मारपीट की, और मैं मजम्मत करता हूं उस घटना पर, लेकिन पुलिस प्रशासन की जो रिपोर्ट तैयार हुई, जो उन पर मुकदमे हुए, उसको दिल से मैं तायद करता हूं। और योगी सरकार के लिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 21% मुसलमान है और पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो बीजेपी की सीटें निकली, खासकर मुसलमानों ने उस मोदी जी के कथन को विश्वास में लेकर मुसलमानों ने वोट दिया, तो उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में मोदी जी अल्पसंख्यकों की हिफाजत करेंगे और हिंदुस्तान का जो आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी सुरक्षा करेंगे। ठीक है, आपको लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। आलोक अवस्थी जी, आपके हम यूं कहें चुनाव में सबसे ज्यादा फाइट गठबंधन से हुई है, फिर गठबंधन के सांसद को जो चुनकर गए हैं जनता के बीच में से, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मुसलमान असुरक्षित है? देखिए, देश के मुसलमानों ने अपना मतदान करके बता दिया है कि वो कितने सुरक्षित हैं। ये जो ठेकेदार बने हुए हैं धर्म के, इनकी दुकानें बंद होने का समय आ गया है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल किस तरीके से हर वर्ग को, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, सबको जो है गरीब हो, सबको लाभ मिला है। किसान योजनाओं के द्वारा लाभ मिला, घर मिले सबको, सारे व्यापार में जो है लोन मिला, उसमें कहीं भेदभाव नहीं हुआ।
जितना भी विकास हुआ है वहां पे कोई एक घर छोड़कर के दूसरे घर को चीजें नहीं बनाई गई हैं। तो ये सिर्फ बातें जो हैं उन धर्म के ठेकेदार जो मुसलमानों को बेवकूफ बना करके वोट लेते रहे हैं और उनको लग रहा है कि अब तो मुसलमान भी जो है वो भाजपा के साथ चला गया है। कई ऐसी मुस्लिम आबादियों में इस बार हमको वोट मिला है जहां पर कभी पहले हमारा खाता भी नहीं खुलता था, हम उन बूथों में भी जीते हैं। तो ये इन धर्म के ठेकेदारों की आंखें खुल गई हैं और इनको लगता है कि क्योंकि ये अब जीत नहीं पाएंगे चुनावों में, इसलिए चाहते हैं कि हम मुसलमानों को डराएं। आखिर क्यों मुसलमान को डराना चाहते हैं? मुसलमान तो देश में सुरक्षित है, जो देश में हर नागरिक है को सुविधाएं प्राप्त हैं वो उनको भी प्राप्त हैं, जो साधन शिक्षा के हैं वो उनके लिए भी उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि जब हम मदरसों में आधुनिकीकरण करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं तो भी ये विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों ये चाहते हैं कि बच्चे जाहिल बने रहें? इसलिए करते हैं ना सर, आपकी मदरसों हज हाउस को पुतवा देते हैं भगवा रंग में, इसलिए विरोध करते हैं वो। नहीं नहीं नहीं, ये सब चीजें तो देखिए, ये कतिपय अधिकारी चापलूसी में करते हैं, सरकार का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। तो ऐसी चापलूसी में आपको लगता है क्या आलोक अवस्थी जी, कुछ ऐसे संगठन हैं जो इसका गलत फायदा उठाते हैं? मेरा साफ साफ कहना है, नरेंद्र मोदी जी का एक सूत्र वाक्य सब याद रखें, आगे बहुत काम आएगा, सबका साथ सबका विकास हमने सिद्ध किया है। और ये बात मोदी जी ने पहली भाषण में कहा कि हम सबका विश्वास भी कायम करेंगे, उनको दिखेगा कि हम कैसे उनके। अब ये मैं पूछ लेता हूँ, आपके जो सहयोगी भी रहे हैं आपकी पार्टी में मुख्यधारा में, और अब भले ही उन्हें बाहर का रास्ता आपने दिखा दिया चुनाव के बाद, उन्हें लगता है कि विश्वास जीता है क्या मोदी सरकार ने? पीयूष मिश्रा जी, शफीकुर रहमान बर्क का बयान और आलोक अवस्थी जी जो कह रहे हैं कि हमने तो विश्वास जीता है, नहीं दिखाया, 13 तारीख को हमने इस्तीफा देके इनसे खुद अपना पिंड छुड़ाया। नहीं, वो तो चुनाव में सीट नहीं मिली ना, इसलिए आपने पिंड छुड़ा लिया। जी तो अब ये तो कम से कम मत कहिए कि इन्होंने मुझे बर्खास्त किया हम लोगों को, हमने खुद किसी ने बर्खास्त नहीं किया। बड़ी पार्टी है सर, आपको नहीं बन पाया था, मुझसे था किसी और से? आप ये बताइए क्या आप इनसे सहमत हैं? जी सहमत हैं? आलोक अवस्थी जी कह रहे हैं कि शफीकुर रहमान सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो संविधान से चलता है। हाँ नहीं, मेरी बात सुनिए मृदुल जी, देश और राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं वो देश के संविधान से चलती हैं। जितना हिंदुस्तान में हिंदुओं को रहने का हक है, उतना ही मुसलमानों को भी देश में रहने का हक है। किसी के कहने और ना कहने से कोई दूर और अपना नहीं हो जाता। फिलहाल आपको कल का एक बयान बता दूं, एक कोई भाजपा के नेता का ही बयान आया था कि हमने मुसलमानों को तो हक उनका 1947 में दे दिया था। तो ऐसे सारे जो बयान आते रहते हैं यह सब दिक्कत वाले हैं, इनको ध्यान देना चाहिए कि क्या है। और बड़े भाई हमारे लोग जी जो कह रहे हैं सबका साथ और सबके विकास की बात, तो 2 साल हमने इनके साथ रहा और साथ तो इन्होंने सबका लिया, विकास इन्होंने अपना किया। मैं इस पर आपका कमेंट चाहता हूं एक बार और। पीयूष मिश्रा साहब, आपने कहा कि सबका विकास तो किया नहीं, सबका साथ ले लिया जी। नहीं नहीं, देखिए क्या चक्कर है कि बात तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले सबके लिए किया, लेकिन जब काम करने की बारी आई, हक देने की बारी आई, आपके डिबेट में कई बार मुद्दा उठाया है पिछड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए, सर्वाधिक पिछड़ों के लिए, जो सोशल जस्टिस कमेटी की रिपोर्ट थी, 27% आरक्षण के जो विभाजन की रिपोर्ट थी, वो आज तक कहां चली गई नहीं पता लगा। अच्छा मृदुल जी, ये भी विचार करने वाली बात है कि अगर ऐसी बातें उठ रही है तो ये उठ क्यों रही है? पता पड़ी थी कि उनको ये बयान देना पड़ा, बातें हुई क्योंकि आधे से ज्यादा सीटों पर आपने गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन दिया और वहीं से शफीकुर रहमान बर्क जीत के आते हैं गठबंधन के साझा उम्मीदवार से समाजवादी पार्टी तीन जगह। नहीं नहीं, मैं फिर बताऊं आपको, हम लोगों को 20 दिन का समय मिला था, 6वें और 7वें चरण के लिए हमारे 28 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें से कुछ पर्चे में दिक्कत होने के कारण कट गए थे, तो हमने 3 जगह पे सपा बसपा को सपोर्ट किया था और 1 जगह पे कांग्रेस को किया था। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ पीयूष मिश्रा जी, उसी से तो आते हैं, गठबंधन से तो आए हैं शफीकुर रहमान बर्क, क्या आप इससे सहमत है कि नहीं है? नहीं, ये भी बात गौर करने वाली है मृदुल जी, अगर कोई एक्शन होता है तो उसके रिएक्शन जरूर होता है, ये बात उठ कैसे रही है? ठीक है, उठ कैसे रही है? बोलने की जरूरत यानी सहमत नहीं है? ठीक, डायरेक्ट बोलिए ना पीयूष मिश्रा जी कि आप शफीकुर रहमान की बात से सहमत हैं कि गड़बड़ है कुछ ना कुछ, मुसलमान असुरक्षित है?
नहीं, हम क्या बोलेंगे, देश का संविधान जब सबके लिए समान है तो सबको रहने का हक है। अब अगर वो बोल रहे हैं तो उन्होंने कहीं देखा होगा, ऐसे तो है नहीं। मैं अवस्थी जी से जानूंगा, अकबर साहब आपको लगता है कि असुरक्षित है या सुरक्षित है मुसलमान? नहीं नहीं, कुछ कुछ हद तक तो नहीं, कुछ हद तक तो शफीकुर रहमान साहब सही कह रहे हैं। मॉब लिंचिंग की जितनी घटनाएं हुई है आप लोगों की भी नजर से छुपी नहीं है। देहातों में जो गरीब लोग शादियां करते हैं, आज वो बफेलो का मीट बनाने से घर में डरते हैं, वो तक नहीं बनाते हैं, वो ब्रॉयलर का मुर्गे का गोश्त बना लेंगे लेकिन वो नहीं बनाएंगे। कई घटनाएं ऐसी हुई है कि पुलिस आई है और उनके अब खाना बना हुआ हांडिया पूरी पूरी देके पलट दी है और पकड़ के ले गए हैं शादी के दिन। तो इस तरह की घटना देखिए, ये जो गौ रक्षक के नाम पे ये एक बिजनेस मॉडल है, ये डरा के। अभी एक वरिष्ठ पत्रकार का खुलासा आया है जिसने गुजरात में एक महीने कुरैशी बन के रहा हो और उसने कैसे गोश इधर से महाराष्ट्र और पुणे कहां भेज रहे हैं, वही लोग सब सप्लाई कर रहे हैं। अगर मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, आपने भी शायद पढ़ा होगा, मैं वही तो कह रहा हूं अकबर साहब आपसे, मॉब लिंचिंग की घटनाएं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं तो मथुरा में भी हुई है, दिल्ली में भी हुई है। कुरैशी उनकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं है, कितनी घटनाएं हुई है, फ्रिज खोल के तक के तो उसे मारा गया है मॉब लिंचिंग करके। मैं वही तो कह रहा हूँ, मॉब लिंचिंग की घटनाएं तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि मॉब लिंचिंग की घटना तो सर मथुरा की भी हुई, जहाँ पर लस्सी पीने गए, जिस तरह वो लस्सी पीने गए और वहाँ पर मारपीट की गई है। धन्यवाद करते हैं। तो क्या आप ये समझे कि बहुसंख्यक भी असुरक्षित है? अगर घटनाएं हो तो उस पर सख्त संदेश दिया जाए, उन पर सख्त कार्रवाई हो। अकबर साहब भाई तो मैं कह रहा हूँ, क्या मॉब लिंचिंग आप पैमाना मानते हैं? मॉब लिंचिंग तो मथुरा में भी हुई है सर, वहां पर क्या बहुसंख्यक असुरक्षित है? पूछ रहे सर आपसे पूछना है, आपने कहा मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं तो कहीं तक शफीकुर रहमान बर्क सही है, तो फिर मथुरा में भी तो हुई है मॉब लिंचिंग की घटना, जहां लस्सी पीने कुछ जाते हैं, आरोप लगा कि कुछ टोपी वालों ने जो लस्सी बेच रहा था उसकी हत्या कर दी। कुछ कमी नहीं, अब कुछ कमी तो आई है। देखिए उसी में अभी जैसे बताया था, इंस्पेक्टर भी शिकार हुए मॉब लिंचिंग के। ऐसा नहीं है कि आप अल्पसंख्यक में इस चीज को लेकर दहशत है, कोई जल्दी कभी कोई अपने घर पे कहीं से जल्दी गोश्त नहीं लाता है, वो सब मुर्गे से काम चला रहे हैं। तो उसके भैंस का गोश्त जो बफेलो मीट है वो तक, बीफ जिसे कहिए, वो तक नहीं लाते, घर पे डरते हैं कि गाड़ी में कहीं रस्ते में चेक कर ले तो मारने लगे। तो ये सब अभी है, तो ये क्या बीजेपी सरकार की वजह से? इतना जवाब दीजिए ना सर आप, तभी सीधे पूछ रहा हूं मैं, तो क्या बीजेपी सरकार की वजह से ये हो रहा है, ये डर है? 5 सालों में आपने देखा कितनी घटनाएं, आप बताइए ना सर, आप तो ज्यादा रहते हैं, मेरे से ज्यादा जमीन पर रहते होंगे सर आप, जो अपना बिजनेस चला रहे हैं। अशोक सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद है, अकबर साहब शायद जवाब नहीं देना चाह रहे या उन तक आवाज पहुंची नहीं है मेरी, हमसे पूछ रहे हैं आप? जी सर, मैंने आपसे पूछा। ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं अशोक सिन्हा साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि अकबर साहब कह रहे हैं मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है, एक मुसलमान खाना खाने से भी डरता है, अगर उसे मीट खाना है या बीफ खाना है तो वो डर रहा है, ये अकबर साहब कह रहे हैं, और शफीकुर रहमान की हाँ में हाँ भी मिला रही है? अकबर साहब हो या विर्क साहब हो, इनको जब अखलाक की घटना हुई थी तो इन्होंने कुछ नहीं कहा और उस समय चुप रहे ये, क्योंकि इनके पार्टी की सरकार थी। तो ये तो एक राजनीति कहा क्यों नहीं हम लोगों ने, और राष्ट्रीय संसद चुप नहीं रहे, हम लोग कभी चुप नहीं रहे कि नहीं, सुन लीजिए आप, मेरा तो ये मानना है कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसने यहाँ जन्म लिया है, जो इस देश को मातृवतन मानता है, जो इस देश की संस्कृति और महापुरुषों को अपना मानता है, वह सब भारतीय है, वह सभी हिंदुस्तानी है, वह हिंदू है, ऐसा संघ का मानना है, और सबके साथ सबका विकास का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है और उसमें जो सबका विश्वास जोड़ा है, मैं समझता हूं कि उन्होंने जो काम किया है और शासन की ओर से जो पिछले 5 वर्षों में काम किया गया है, चाहे उज्ज्वला योजना हो और चाहे वो सड़क बनी है, तो क्या सड़क पर क्या केवल हिंदू चलेगा, उस पर तो सभी चलेंगे। और इसी प्रकार से जो मुद्रा योजना में पैसा दिया जा रहा है या जो योजनाएं चल रही है वो जाति धर्म देख करके नहीं चलती,
ठीक है, संघ का यह सोच नहीं है कि वो पंथ और मजहब के आधार पर सोचे, वो भारतवासी के आधार पर, देशवासी के नाम पर सोचे। और अगर डरना है किसी मुसलमान को तो चीन में डरे, श्रीलंका में डरे, अफगानिस्तान में डरे, पाकिस्तान में डरे, अमेरिका में डरे। भारत में सबसे अच्छा, दुनिया में सबसे अधिक अच्छे ढंग से मुसलमान यहाँ रहता है, इसे फूट डालने की कोशिश न की जाए। और ये जो 5% मुसलमान है जिनकी राजनीति और जो धर्म है वो इनको डराते रहते हैं, ये डराएंगे, मगर 95% यही तो सवाल है, ये राजनीति की ही बात है या राजनीति की वजह से ही? अब तो चुनाव भी खत्म हो गए, लेकिन क्या अब दूसरे चुनाव की तैयारी है इसलिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम सुरेश बहादुर सिंह जी के पास जाएंगे, वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे समझेंगे क्या वाकई सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है या इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है, क्योंकि सर्टिफिकेट जिसे देखो वो बांट देता है कि देश में ऐसा हो रहा है, सरकार ऐसा कर रही है, या सरकार कहती है कि देश में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, लोग तो बड़े अच्छे से रह रहे हैं। ब्रेक के बाद जानेंगे, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल यही है कि मुसलमान वाकई क्या डरा हुआ है, क्या असुरक्षित है, या फिर ये माहौल बनाया जा रहा है और इससे फायदा किसे होगा? सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। सुरेश बहादुर सिंह जी आपके पास आ रहा हूं मैं, क्या वाकई इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? अब तो चुनाव खत्म हो गए लेकिन उसके बाद भी कई बड़े नेता कह चुके हैं कि मुसलमान असुरक्षित है इस देश में। देखिए, जो बड़े नेता कह रहे हैं वो ऐसा बयान दे करके अपने ही समुदाय का नुकसान कर रहे हैं। आप इसके पहले देखिएगा, कभी भी जहाँ तक मुसलमानों की असुरक्षा की बात है, हमारे उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से जो सरकारें रही हैं उस पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगता रहा है। यहाँ तक कि एक सीमा से बाहर जा करके ये मुस्लिम तुष्टिकरण का उन्होंने किया, और जिससे निश्चित रूप से एक बहुसंख्यक समाज में काफ़ी आक्रोश था। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस जो वर्तमान लोकसभा चुनाव हुए हैं इसमें मतदान का एक पॉइंट ये भी बहुत बड़ा था कि कम से कम पिछले कई वर्षों में वो दंगे नहीं हुए, इस तरह की घटनाएं नहीं हुई जिनसे प्रदेश का माहौल खराब होता था। अब बर्क साहब जो कह रहे हैं, बर्क साहब को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन कहीं से एक छोटी मोटी घटना हो जाने से किसी आप इसको दोषी नहीं ठहरा सकते कि मुसलमान असुरक्षित है। ये कानून व्यवस्था का मुद्दा हो सकता है, ये सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा हो सकता है, लेकिन अब इसको मुसलमान की असुरक्षा से जोड़कर देखना उचित नहीं है। और कम से कम बर्क आपको साहब बहुत बड़ी घटना लग रही होगी, ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं, जो छोटी मोटी घटनाएं जो भी होती बड़ी होती हैं। अब मैं पिछले सरकार की घटनाएं बताऊंगा, इन्हीं क्षेत्रों की बताऊंगा, तो आप अन्यथा ले लेंगे। छोटी मोटी घटना मैंने कहा ना कि कभी भी अगर बड़ी सरकार है, बरेली की बड़ी घटना है, वो प्रशासन कर मैंने आपसे क्या कहा, ऐसी प्रशासन ने कार्रवाई की, वो बड़ी घटना है, ऐसी घटना है, किसी भी छोटी मोटी घटना को छोटी घटना मत कहिए। मॉब लिंचिंग की बड़ी घटना, बड़ी बड़ी घटना, मैं ये कह रहा हूँ चाहे वो बहुसंख्यक साफ हो, चाहे साफ हो, वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नवाज अहमद जी तो कह रहे हैं, नवाज अहमद साहब, सुरेश बहादुर सिंह जी यही कह रहे हैं कि इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना होगा। ये पुलिस प्रशासन का फेलियर हो सकता है लेकिन इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, एक मिनट सुरेश बहादुर जी, आपकी बात को लेकर वो कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटना नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ शहनवाज अहमद जी, मैंने आपसे छोटी मोटी घटना, नहीं नहीं सर, ये पुलिस प्रशासन की घटना है। सुरेश बहादुर सिंह जी कह रहे हैं कि इसे धर्म के चश्मे से मत देखिए। आईन को देखते हुए सुरक्षा देगी, हिफाजत देगी मुसलमान मुसलमानों को, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा हो सकता है अहमद साहब, लेकिन इसे धर्म के चश्मे से तोलना गलत है। वही तो वो कह रहे हैं, ये है कि ये अल्पसंख्यक समाज उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा दिशा तय करता था, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव ने उनकी उस अवधारणा को खत्म कर दिया है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक आक्रोश है, कहीं इनमें एक हताशा है, एक निराशा है, लेकिन एक ऐसी घटनाओं से ये नहीं कहा जा सकता अभी ऐसी स्थिति नहीं, मुसलमान देश में असुरक्षित है। ठीक है, मैं सुरेश जी आपको रोकना चाहूंगा यहां पर, सर इनकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी। शहनवाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर, शहनवाज अहमद, सुरेश जी यही तो कह रहे हैं इसको धर्म के चश्मे से नहीं तोलना है, ये पुलिस प्रशासन का फेलियर है। मैंने वही कहा कि हिंदुस्तान में कहीं भी मॉब लिंचिंग की घटना हो, चाहे बहुसंख्यक के साथ हो चाहे अल्पसंख्यक के साथ, लेकिन अल्पसंख्यक के साथ तो ज्यादा हो रही, आप हमको खाना नहीं खाने देंगे, आप हमारे थाली में झांकेंगे, आप बताइए कहां से है।
मुल्क के मुसलमान मोदी जी के उस भाषण को लेकर बड़ी खुश थे कि जब मोदी जी ने कहा था कि हमने भय का वातावरण जो पिछली सरकारों पिछली पार्टियों ने वही तो हम कह रहे था उस भय के वातावरण को हम खत्म करके जैसे आप कह रहे हैं कि हमें खाना खाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ मथुरा में घटना घटी वो कह रहा है कि हमें भाई लस्सी बेचने भी नहीं दी जा रही है, हम क्या अपनी दुकान नहीं चलाएं? और बड़ी दुख के साथ कर रहा हूँ, उस बात को लेकर सरकार की तरफ से एक बयान नहीं आया। किस बात को लेकर? उस बयान, एक भी बयान नहीं आया। किस बात को लेकर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने तो वोट दिया। शहनवाज साहब, किस बयान की बात कर रहे हैं आप? आलोक अवस्थी से जवाब लूंगा इसका मैं, बताइए किस बयान की बात कर रहे हैं? 2000 मैं मोदी जी के ही बयान की तारीफ कर रहा हूं और बयान की मजम्मत भी नहीं कर रहा हूं। मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कहा, लेकिन उस चीज को सरकार को हिंदुस्तान के आईन ने जो हमको भरोसा दिलाया हमारी सुरक्षा और हुकूम के लिए, उस आईन के लिए तो करना चाहिए। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, क्या ये सिर्फ और सिर्फ बयानों में रहेगा? घटना नहीं, सीधे उनका कहना है। अभी आप कह रहे हैं सबका विश्वास जीतेंगे, सबका साथ होगा, सबका काम होगा, शाहरुख खान के साथ ही नया नहीं हो पाया तो फिर ये मॉब लिंचिंग कौन कर रहा है? जबकि एक लाख के घर में जो बीफ निकला था वो बाद में बदल गया। वो तो अलग अलग रिपोर्ट है ना सर, फिर दिल्ली की घटना, गुरुग्राम की घटना, मथुरा की घटना, बुलंदशहर की घटना, सभी घटनाएं याद आती हैं। एक घटना नहीं हुई ना सर, घटनाएं बहुत सारी हुई हैं, लेकिन घटना में किसको कितना नुकसान पहुंच रहा है और इसके पीछे कौन होता है, सबसे बड़ी वजह यही सामने आनी चाहिए। आलोक अवस्थी जी, करार रखेंगे और मुसलमानों की हिफाजत के लिए हर कदम उठाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है सरकारों पर। आलोक अवस्थी जी, आवाज जाएगी नहीं, बोलिए बोलिए सर। देखिए, मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूँ, आज उनको भारत के मुसलमान असुरक्षित लग रहा है, खाली उन नेताओं को लग रहा है जिनकी अपनी कुर्सी उनकी अब खतरे में पड़ गई है। लेकिन अगर देश के मुसलमानों को आप छोड़ दीजिए, आप विदेशों में चले जाइए, आज इराक में क्या हो रहा है, आज इजिप्ट में क्या हो रहा है, आज यमन में क्या हो रहा है, ट्यूनिशिया में क्या हो रहा है, कौन किसको मार रहा है वहां पे, किसका शासन है वहां पे, ये बातें नहीं कहनी चाहिए। कानून व्यवस्था जहां पर भंग होगी, कानून अपना काम करेगा और सजा देगा। अगर उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है, देश में कोई घटना होती है, तो कानून उसके लिए सबके लिए बराबर है। अगर कोई किसी भी वर्ग का हो उसको सजा मिलेगी। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी सरकार थी, जियो आउल हक की हत्या हो गई थी, किसने किया था? सरकार बॉम्ब लिंचिंग कितनी बड़ी घटना थी, मथुरा के अंदर कितनी बड़ी बॉम्ब लिंचिंग की घटना थी, ये तो हटा दिया ना लोकसभा की। दूसरे देशों का घटना हुई, समाजवादी पार्टी को जनता ने हटा दिया, आप पर भरोसा किया कि आप सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है ना, उनका कहना है कि ये घटना फिर हो कैसे रही है? कर रहे हैं, देखिए घटनाएं अगर कहीं आज दूसरे देशों का क्यों हवाला दे रहे हैं? गिरफ्तारी हुई है, सजा दी गई है, इसलिए कहीं पर भी ये नहीं कोई कह सकता है कानून व्यवस्था के मामले में कि ये जो धर्म के कोई लड़ाई चल रही है। एक भी दंगा योगी आदित्यनाथ सरकार में नहीं हो पाया, पहले हर हफ्ता एक दंगा होता था, सैकड़ों लोग मरते थे। आप बलियाना कांड आपको याद होगा, बलियाना में क्या हुआ था? मैं इसका जवाब अकबर साहब से लेना चाहूंगा। अकबर साहब क्योंकि इसी तरह कह रहे थे, जब से सरकार बनी घटनाएं बढ़ गई। आलोक अवस्थी जी दावा कर रहे हैं कि बता दीजिए कोई दंगा हुआ हो तो, वो कह रहे हैं आपकी सरकार, जब आप समाजवादी पार्टी में थे अकबर साहब, तब दंगे होते थे इस प्रदेश में, और किसी से छुपी नहीं है ये बात। आईन की रक्षा करे जिस तरह से मोदी जी ने कहा था, और हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी उस आईन के लिए उस आईन की इज्जत को बरकरार रखेंगे। अकबर साहब जी बताइए सर, आपसे सवाल है। आलोक अवस्थी जी ने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने दंगे हुए, हमारी सरकार का बताइए जरा जूता। अरे ये लोग तो हमेशा दूसरी सरकारों को कोसते हुए आए हैं, खुद कुछ कर नहीं रहे हैं, बस खाली दूसरी सरकारों नहीं, आप उनकी सरकार के दंगे बताइए ना सर। वो तो बोल रहे हैं कि हमने अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की है, कोई दंगा नहीं होने दिया उत्तर प्रदेश में। अखलाक केस में बोल ही नहीं रहे, सपा की गवर्नमेंट थी तो क्यों नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात थोड़ी के नहीं हुए, कितने कितने दंगे हुए हैं इनके। अरे ये नहीं बोल पाएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार में तो आतंकवादियों को मुकदमा तक हटाने की बात करी थी इन्होंने। ये तो उच्च न्यायालय ने उस फैसले को रद्द किया सरकार की, आतंकवादियों को छोड़ा नहीं, हमारी सरकार ने योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन आतंकवादियों को काम किया है। अपने जिंदाबाद कहने वाले को टिकट दे दिया, बाद में मोदी जी की मैं तारीफ करता हूँ कि मोदी जी ने कहा कि हमको बड़ी तकलीफ है, मैं सामना नहीं करूंगा। आप क्या बात करते हैं आतंकवादियों की,
आप अपनी सरकार में संभालिए आलोक अवस्थी जी, एक सेकंड रुक जाइए, शहनवाज जी। लेकिन ये शफीकुर रहमान वर्ग पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये वही सांसद हैं जिन्होंने जिन्ना की तारीफ कर दी थी जब जिन्ना की तस्वीर हटाने की बात हुई थी। तो जिस तरह से आप बीजेपी या उनके नेताओं की आलोचना कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां, उन्होंने भी मुसलमानों का फायदा लेने की ही कोशिश की है बस। आपको ऐसा लगता है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल। अभी तक फायदा ही उठाया गया 21% मुसलमानों का फायदा ही। सच्चर आयोग कांग्रेस के पीरियड में आया था, सच्चर आयोग। बापू नादवाडी की रिपोर्ट थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी कि मुसलमान हिंदुस्तान का दलितों से ज्यादा बदतर है। कांग्रेस ने क्यों नहीं लागू किया? ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा। पीयूष मिश्रा साहब, क्यों नहीं लागू किया? पीयूष मिश्रा साहब, आपको लगता है ऐसा कि अभी तक सिर्फ राजनीति होती रही मुसलमानों को लेकर और बेवजह के सर्टिफिकेट बांटने आ जाते हैं? लेकिन 19 में जो मुसलमानों ने इस सरकार को वोट देकर वो ताकत दी है, उम्मीद है कि मोदी सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। शहनवाज जी, आ रहा हूं मैं, और भी मेहमान हूं, फिर अशोक जी के पास जा रहा हूं मैं। पीयूष मिश्रा साहब को माना जा सकता है बरकरार, थोड़ा ना कहीं ना कहीं मैं उनकी पहली बात से असहमत हूँ जो उन्होंने बोला था कि छोटी मोटी घटना, चाहे एक आदमी की मौत हो इस टाइप के हादसों में, चाहे 100 की हो, या दुखद ही होता है। और प्रशासन अगर फेलियर है तो किसका काम है रोक लगाना। और बड़े भाई आलोक जी अभी कह रहे थे कि हमने हमेशा सख्त कदम उठाए, आपने देखा होगा अभी बुलंदशहर वाले कांड पे यही मसला उछला था, 1 साल होने को आ रहा होगा। तो यह हो किस लिए रहा है, इसके पीछे कौन है, आपने कभी ध्यान दिया? आपको एक ज्वलंत उदाहरण दे देता हूँ, याद कर लीजिए, यही सरकार है काम करने वाली, समाजवादी पार्टी सरकार। आपकी बात, लेकिन उनमें आपके बजरंग दल का कार्यकर्ता पकड़ा गया, जिला संयोजक पकड़ा गया, आप बात को नहीं कर रहे हैं, ये भी आप एक्सेप्ट करिए ना। हम कानून का पालन, आप एक्सेप्ट करिए ना कि बजरंग दल का कार्यकर्ता था कि नहीं था, जिला संयोजक था कि नहीं था। अरे ठीक है, सब आप जानते हैं लोग भाई, आप एक्सेप्ट करो ना, बजट कल का कार्यक्रम था, ये बजरंग दल हम मुजरिम सजा देने को तैयार हैं, सारे चल रहे हैं। आप से रिलेटेड आया नहीं, आपका जो कि बजरंग दल हो रहा है हमारे रिलेटेड ही नहीं है। बाकी हम प्रोग्राम का आरएसएस आरएसएस का जवाब, मेरी बात तो आप नहीं होता धर्म के आधार पे, आप तो कह दो हमारा बजरंग दल नहीं है, या बजरंग दल का जो जिला संयोजक था वो पकड़ा कैसे गया? आप ये बात पे तो एक्सेप्टेंस लो, बाहर किया गया, ये आपको पकड़ना अच्छी बात है या बजरंग दल का था वो गलत है? एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे कई उदाहरण है मिश्रा जी। वो आप कह रहे हैं कार्रवाई नहीं होती, वो कह रहे हैं कार्रवाई हुई, आप कह रहे हैं वो तो आपके आदमी थे उन पर कार्रवाई की आपने। पीयूष मिश्रा जी, ऐसा ही हुआ ना, आप कह रहे हैं कि आपके आदमी थे वो तो बदल गए। कार्यवाही हुई नहीं हुई बात अलग की बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि छोटी घटना एक शख्स की मौत होती है तो भी छोटी घटना होती है, छोटी घटना नहीं होती है। वैसे ही सर, अगर गिरफ्तारी हो रही है किसी की तो गिरफ्तारी हो रही है, कोई फ्री में नहीं पकड़ता उसे, कुछ किया होगा तभी कार्रवाई की गई है। पीयूष जी जी, कार्रवाई तो हुई है ना, कि वो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बजरंग दल का संयोजक था, जिला संयोजक। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां पे स्वीकारता है वहां पे आलोक जी को मान लेना चाहिए कि है ऐसे, ये बात चल ठीक है। मैं एक अशोक सिन्हा साहब से इस पर कमेंट देना चाहूंगा, और आज पीयूष मिश्रा कह रहे हैं कि भाई आरएसएस से जुड़ा हुआ है। एक और विवादित बयान आया अशोक सिन्हा साहब, ये छोटे छोटे जो संगठन है ये इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, फिर वो कहते हैं कि आरएसएस से जुड़े हुए संगठन हैं, देश में नफरत फैलाई जा रही है। अरे भाई साहब, सिन्हा जी बजरंग दल का जिला संयोजक था, एक उदाहरण दे रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ अशोक सिन्हा साहब से। आपने देखा भी था कई दिन तक फरारी काट रहा था। पीयूष जी वही पूछ रहा हूँ मैं, आपका ही सवाल पूछा है मैंने। अशोक जी नहीं, देखिए सुरेश बहादुर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, राज्य स्तर पर क्या घटना हुई कैसे हुई। अब एक घटना को अफवाह के रूप में फैलाया गया, जांच पाया गया बिल्कुल गलत था,
लॉ ऑर्डर कौन सुधारेगा, विपक्ष थोड़ी सुधारेगा। दिल्ली के पास की घटना की थी, वहां कोई घटना हुई नहीं थी, तो इस प्रकार के केसेस को उठाने का कार्य जो किया जा रहा है यह एक प्रकार का अपना अंदरूनी डर है। और डरना तो जब डर की बात की जा रही है, बर्क साहब ने कभी नहीं इस बात की आलोचना की कि कश्मीर के घाटी में हिंदुओं को मार करके भगा दिया गया, औरतें और गहने रख लिए गए, तो कभी वहां उसके बात को नहीं उठाया उन्होंने, कभी नहीं उठाया। केरल में हमारे 100 से अधिक स्वयंसेवक मारे गए, मुस्लिम लीग वहां प्रभावी पार्टी है, इनको कभी ये नहीं डर लगा कि हिंदुओं को भी डर लगता है। बंगाल में सैकड़ों स्वयंसेवक मारे गए, इनको कभी नहीं लगा कि ऐसा वहां डर का माहौल है। इनको केवल अपनी राजनीति है, इनको तो वंदे मातरम से भी डर लगता है। जम्मू कश्मीर का उदाहरण, ये संसद में बंगाल का उदाहरण दिया, चले गए थे वंदे मातरम में, सारा संसद खड़ा था। क्या ये घटना लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है? वो उस समय ये पैदल चलते हुए बाहर निकल गए थे, इनको डर लग रहा था। अशोक जी, क्या ये घटना भी अलग अलग प्रदेशों में लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है जी, या इसे भी आप धर्म के चश्मे से देखेंगे? नहीं, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि धर्म के चश्मे से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंथ मजहब के आधार पर संघ कभी नहीं सोचता, यह देश सबका है। मैंने पहले ही बताया कि जो यहाँ जन्मे हैं, जो मातृ वतन मानते हैं इस देश को, जिनकी संस्कृति यहाँ की संस्कृति है, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह सभी भारतवंशी है और सभी का DNA एक है, किसी का DNA अलग नहीं है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जो डर रहे थे 47 में अपना घर अपना हिस्सा मांग के चले गए पाकिस्तान, अब जो यहाँ है वो हमारे हैं, तो इसलिए कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर सुरेश बहादुर सिंह जी, तो जी अकबर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आपके जो नेता गलत बयानी करते हैं तो उनपे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? जो नेता इनके गलत बयानी करते हैं अल्पसंख्यकों को लेके, तो उनपे कोई कार्रवाई क्यों नहीं? अकबर साहब, अभी शफीकुर रहमान के बारे में आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे कि वो हमारे पार्टी का मैटर नहीं है। शफीकुर रहमान पर कौन सी कार्रवाई की पैरवी कर दी आपने? नहीं नहीं नहीं, हमने देखे, हमने कौन सी पैरवी की? सरेआम संसद में यह व्यक्ति अपमान करके राष्ट्रगीत का चला गया। वो कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ये क्या ये अच्छी बात थी? वो चीज देखिए, संविधान में उसका वो जोर नहीं दिया गया, कोई चीज जबरदस्ती नहीं कहलाई जा सकती। नहीं, जबरदस्ती तो कोई कर रहा है, पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ा है, उसी नारे पर आप संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान में राष्ट्रगीत कहा गया, जबरदस्ती और उसको समान दर्जा दिया गया राष्ट्रगान के। राष्ट्रगान के समान माना गया उसे, वो आप देखिए कि संविधान में लिखा हुआ है। सुरेश बहादुर सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। संविधान को बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, एक का घर मिलेगा और बड़े-बड़े इज्जत में आएंगे। पहली बात तो ये है, कभी भी आपराधिक घटनाओं को, किसी भी आपराधिक घटना को, किसी भी जाति प्यार और भाईचारा बढ़ाइए, इस पे काम करिए। दूसरी बात, आप जो शफीकुर रहमान तो बढ़ा नहीं पा रहे भाईचारा, सुरक्षित है। मैंने कहा ना, अल्पसंख्यक जहां पर शफीकुर बर्क साहब कह रहे हैं कि यहाँ अल्पसंख्यक असुरक्षित है, उन्होंने ही वंदे मातरम कहने से इनकार कर दिया। यहाँ की सरकार ने या यहाँ देश ने उनके साथ क्या व्यवहार किया? क्या उनको फांसी पर लटका दिया? हमारे यहाँ ही आजादी है, तभी तो आपने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। तो बहुत सीधी देखिए, इस अगर ऐसी ऐसी घटनाओं को हमेशा धार्मिक रूप दिया जाएगा, जातिवादी का रूप दिया जाएगा, सारे दलों के लोग कहता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना मानता हूं कि ऐसी चीजें जो कानून व्यवस्था की मुद्दा है, उसको कानून व्यवस्था के मुद्दे से ही जोड़कर देखा जाना चाहिए। अकबर साहब, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं। जब तक कानून और मुद्दे को, आपकी बात पर अकबर साहब ने कहा कि प्यार से सब कह देंगे, जबरन कोई नहीं कहलवा रहा। सर, कौन सा शफीकुर रहमान का हाथ पकड़ के लोग कह रहे थे वंदे मातरम की आवाज लगा दो या वंदे मातरम का नारा लगा दो? उनका किसी ने हाथ तो पकड़ा नहीं। अकबर साहब, आपसे पूछ रहा हूं मैं। जी जी सर, आप कह रहे थे ना प्यार से सब कह देंगे, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। किसने जबरदस्ती की? वो चीज गलत है, कहलाने का तरीका गलत है, कहलाने का तरीका। वो चार बार के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश की पूर्व की सरकार में मंत्री रहे हैं, उनको कौन पकड़ रहा है सर? कोई कहलाने का था, संसद में धुन बज रही थी, वंदे मातरम की धुन बज रही थी, संसद प्रारंभ हो रहा था, चल दिया उसके पास। वही तो मैं कह रहा हूँ ना सर, अगर उन्होंने क्या कहा इससे मतलब नहीं है, फिर आप किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए कि आप कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
मैं शाहनवाज जी आपके पास आ रहा हूं, आपको लगता है कि शफीकुर रहमान जिस तरह की बयानी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बार फिर नफरत की राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, शफीकुर रहमान बर्क साहब का जो बयान है उनका पर्सनली बयान है, उससे मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और मुसलमान, मैं फिर वही कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के आइन पर बहुत एतबार है और मुल्क की जो हुकूमत है, जो वजीर आजम है, जो अपनी स्पीच में मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कह गए, उससे मुसलमान मुतमईन है। और मैं एक बार और कहना चाह रहा हूँ हर स्टेट की सरकारों से और वजीर आजम से कि जहां जहां मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं उनके जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए ताकि फिर से मुल्क में वो हालात ना पैदा हुए और जो नफरतों को फैलाने वाले संगठन उनको भी बैंड किया जाए। ठीक है, आलोक अवस्थी, हमारी गुजारिश है आपके चैनल के थ्रू। आलोक अवस्थी जी के पास आ रहा हूं। आलोक अवस्थी जी, आप घूम फिर के बाद आप पर ध्यान से बहुत ज्यादा, केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, फिर ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, बार बार घटती हैं, संख्या बढ़ जाती है, फिर इस तरह की बयानी सामने आ जाती है। कुल मिलाकर क्या लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना अब एक बड़ी वजह हो गया, इस पर ध्यान देना पड़ेगा? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी कह चुके हैं कि प्रशासन लाचार है। देखिए, सरकार कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए ही आई है और आप तो देखा होगा समाजवादी पार्टी की सरकार जाने के बाद से अपराधों के दर में कितनी गिरावट आई है। आज इस सरकार में रहते ही कितने अपराधी गले में तख्ती डाल करके बाजारों में घूमते पाए गए और जिसको मीडिया ने दिखाया कि हम अपराध नहीं करेंगे और जेल में जाकर सरेंडर हुए। 3,500 से अधिक अपराधी इनामी इस समय जेल के अंदर हैं। 15,000 से अधिक अपराधी अपने आप सरेंडर करके जेल में गए हैं। 75 से अधिक अपराधी इस समय काल कवलित हो चुके हैं जो बहुत बहादुरी दिखा रहे थे। लेकिन कम से कम 200 करोड़ सरकार हो जाती है। मैं उन संगठनों की बात कर रहा हूँ जिस पर आरोप लगते रहे, अभी डिबेट में भी लगे। देखिए, सरकार जो कानून तोड़ेगा स्पष्ट रूप से आदेश अधिकारियों को बिना पंथ मजहब देखे हुए, बिना जाति देखे हुए तत्काल कार्रवाई करिए और कठोरतम कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। हम किसी ना अधिकारी का प्रश्रय कर रहे हैं ना किसी संगठन का प्रश्रय कर रहे हैं। हम अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं और उससे हमें कोई हटा नहीं सकता है। ठीक है, ये आज जो मुसलमानों को डराने की बात कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इनकी दुकानें बंद होने का समय आ गया है। आज मुसलमान अमन चैन से है। पहले आपको याद होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आतंक का माहौल था, कब कौन मार दिया जाए, कब कौन लूट लिया जाए, कब किसके पास एक्सटॉर्शन की फोन कॉल आ जाए, वसूली हो रही होती, ये सब बंद है आज की तारीख में। ठीक है, मैं आज हर तरफ से हर तरफ हर धर्म का व्यक्ति सुरक्षित है। आपको लग रहा है कि तो ये जो डर रहे हैं अपराधी, डर रहे हैं, समय कुछ अच्छा चल रहा है, अपराधी को संरक्षण देने वाले लोग डर रहे हैं। अगर अच्छा है तो अलग क्यों गया? लॉ एंड ऑर्डर फेल होता है तो किसकी जिम्मेदारी होती है? पीयूष मिश्रा जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं, अकबर साहब तो कह रहे हैं मैसेज देती है एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए। जी बताएं, अकबर साहब कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की किसकी जिम्मेदारी है? आलोक अवस्थी कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। आपको लग रहा है अच्छा काम हुआ है? अरे लॉ एंड ऑर्डर की क्या बात कर रहे हैं, 2 साल से तो हम लोग बता ही रहे थे कि 500 रुपए की दलाली थाने की 5,000 की हो गई है। देखा होगा आपने 2 साल तक देखा आपने, अरे तुम्हारे दुकान बंद कर दी हम लोगों ने, जो चोरी करने तुम्हें सरकार में आए थे, तुम और तुम्हारे नेता उनकी चोरी नहीं करने दी, इसलिए बौखलाहट तुम लोग आते थे और सरकार को तुम लोग निकले हो, इसलिए निकले हो, तुम पैसे मांगने तो जो लूटने के लिए जो पार्टी लड़ेगी वो उसी तरह की बात करेगी। आप बात कर रहे हैं मुंह पे ताड़ा लग जाएगा बड़े भाई, मुद्दों पे बात करिए। विवेक तिवारी हत्याकांड की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की कौन सी उठाएंगे आप, या नोएडा वाले की बात कर रहे, कहां पे आप उठाएंगे, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? हमने जब साथ में थे तब भी आपको जगाया था और अब भी आपको बताएंगे, जानती अच्छे से, और जनता ने अपने मोहर अपने वोट डाल करके सरकार को हमने छले आई है और आप जैसे चोरों को सरकार से बाहर किया है। आखिरी कमेंट अकबर साहब का ले लेते हैं। अकबर, अरे आप जैसे चोरों की दुकानें बंद कर दी, हम ब्लैकमेलिंग नहीं कर पाए। कितने मंत्री बनाए आपने केंद्रीय में अभी जो हुआ है, कितने पिछड़ों का हक दिया आपने, बताइए
लिस्ट बताइए, मैं गिनाऊंगा। विकास की बात करते हैं, हम बात करें के हाथ में, उसके हाथ में रोजी हो, रोटी हो, आप बचाओ ना, घर हो, ठीक है। दो साल तक सरकार में चले, एक आखिरी कमेंट अकबर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सख्त मैसेज देना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अभी बाराबंकी में 23 लोग मरे जहरीली शराब से, जिनकी समझिए हत्या हुई। उसी के 3 दिन बाद वहीं पड़ोस में सीतापुर में फिर 9 लोग मरे। तो अब अगर सख्त मैसेज जाता तो 3 दिन बाद उसी के पड़ोस की दिल अकबर जी आजमगढ़ की घटना मालूम है आपको? आपके नेता जहरीली शराब बनवाते थे, कानपुर की घटना याद है आपको? अभी कानपुर में आपके नेता और उसका पोता पकड़ा गया वहाँ पे, आपको याद है? सीतापुर में जहरीली शराब मरे थे, लखनऊ के अंदर कैसरबाग में सरकार में मुद्दे हुई तो आपको बनाया, सरकार ने तो सरकार कार्रवाई कर दिया, सस्पेंड किया है, जेल भेजा उनको। आप भी वही कर रहे हो, ना जाने कितने लोग अभी तक सस्पेंड हो गए, ना जाने कितनी कार्रवाई अभी तक हो गई। सुरेश बहादुर जी आपके पास आ रहा हूं, आपको बड़ा मैंडेट दिया तो आप भी वही करोगे? सुरेश बहादुर आप भी वही करोगे, जहरीली शराब बेच के हत्या कराओगे आप लोग? ठीक है, एक अहम और बहुत बड़ा सवाल है कि सर, जाति और धर्म के नाम पर जो वोट मांगे जाते थे इन चुनावों में, तो हमें उस तरह की स्थिति नहीं दिखी, क्या एक बार फिर अब उसी ट्रैक पर ले जाने की कोशिश है राजनीति को? देखिए, निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये बयान जो है राजनीति से प्रेरित है, इसमें कोई दोरा नहीं है। मैंने फिर कहा आपसे, एक दो घटनाओं के बाद से किसी सरकार पर आरोपित कर देना कि वहां कोई समुदाय असुरक्षित है, मैं इसे उचित नहीं मानता हूं। और ना ही इसे राजनीतिक रंग देना चाहिए। हाँ, ये कानून व्यवस्था, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा हो सकता है। आपको सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बर्क के बयान को मजम्मत हो सके। जो भी सरकारें हों, कानून व्यवस्था, यानी आपका कहना है कि सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी होगी। पीयूष जी, समय नहीं है, नहीं आ पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का यूपी मांगे उत्तर में शामिल होने के लिए। वाकई सुरेश बहादुर सिंह ने कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर की घटना है, धर्म के चश्मे से नहीं तोलना चाहिए, लेकिन इसके इतर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि इस तरह की बयानबाजी क्यों की जा रही है? क्या वाकई सर्टिफिकेट बांटना राजनीति का ही हिस्सा है? अब राजनीति जो है, क्या वापस जो बदली हुई है उसे ट्रैक पर लाने की कोशिश है जाति और धर्म के? अब ये क्यों किया जा रहा है? आप समझदार हैं। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।